डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए बी कॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग से टॉपिक मटेरियल लिया गया है और मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक में जो न्यूमेरिकल पोर्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आज आपको मैं करा रहा हूँ। आज मैं आपके लिए इसमें 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों में से उम्मीद ये रहती है कि एक ना एक क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित कर लिया जाता है और आज हम इस मटेरियल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा हर बार की तरह आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि घर पर रहकर अपनी तैयारी कीजिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलिए और COVID-19 जैसी महामारी से बचने के लिए अपने परिवार को, अपने आप को और अपने समाज को जागरूक करते रहिए। आइए तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल टॉपिक मटेरियल से। हेयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम मटेरियल और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। 2 components x and y are used as follows: normal use is 600 units per week each, minimum use is 300 units per week each, maximum use is 900 units per week each। एक कारखाने के 2 कंपोनेंट जो कि जहाँ के नॉर्मल यूसेज डिमांड है 600 यूनिट और मिनिमम यूसेज है 300 यूनिट और मैक्सिमम यूसेज है 900 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी, पुनः आदेश मात्रा एक्स के लिए है 4800 यूनिट, y के लिए है 7200 यूनिट। रीऑर्डर पीरियड, x के लिए 4 to 6 यानी कि मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6 है और एवरेज रीऑर्डर पीरियड 5 हो जाएगा। 4 + 6 / 2 = 5। y के लिए 2 week मिनिमम, मैक्सिमम 4 और एवरेज पीरियड हो जाएगा 3, 4 + 2 / 2। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के लिए दी गई हैं और कहा है कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट। फर्स्ट रीऑर्डर लेवल, बी मिनिमम लेवल, सी मैक्सिमम लेवल और डी एवरेज स्टॉक लेवल। ये आप देख रहे हैं जैसे मेरठ में 94 में आया, ऊपर मैंने 2008 लिखा, उससे बाद भी कई बार ये पेपर में आ चुका, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप निश्चित रूप से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इसी सीरीज से क्वेश्चन होगा, वन बाय वन ये इसी सीरीज में ये पॉइंट कैलकुलेट किए जाएंगे। नंबर फर्स्ट रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला होगा मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। और आप जानते हैं एक्स का मैक्सिमम यूसेज कितना है, मैक्सिमम यूसेज है 900 और मैक्सिमम लीड टाइम जो एक्स का है वो है 6 weeks। तो 900 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 5400। उसी प्रकार से y का 900 और मैक्सिमम लीड टाइम 4 है तो 9 × 4 = 36 ये आ गया। तो आपका इस क्वेश्चन का 1/4 पार्ट पूरा हो गया। सेकंड पॉइंट में पूछा गया है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फार्मूला है रीऑर्डर लेवल जो
माइनस नॉर्मल यूसेज गुना नॉर्मल लीड टाइम। नो रीऑर्डर लेवल जो कि अभी आप ऊपर कैलकुलेट करके आ चुके हैं, एक्स के लिए 5400 है, माइनस नॉर्मल यूज़ है, नॉर्मल यूज़ जो होगा मिनिमम 300, नॉर्मल दे रखा 600, ना भी दिया हो तो मिनिमम 300, मैक्सिमम 900, डिवाइड करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो नॉर्मल लीड टाइम 600 है और नॉर्मल यूज़ है 600, नॉर्मल लीड टाइम है जो कि 4 प्लस डिवाइड बाय 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5400 माइनस 600 मल्टीप्लाई 5, तो 5400 माइनस 3000 2400 यूनिट ये आपका आ गया है। सेकंड वाई का यदि देखें तो ऊपर आंसर रीऑर्डर लेवल 3600 आया था, 600 नॉर्मल लीड टाइम है और वो यूसेज है और लीड टाइम नॉर्मल 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ 3600 माइनस 1800 इक्वल टू 1800 यहाँ पर आ गया। सी आप देख रहे ए और बी दो पॉइंट आपके पूरे कवर हो गए, यानी कि 50% क्वेश्चन सोल्व आपका हो गया बिना किसी दिक्कत के। केवल आपको फार्मूला ध्यान रखना है, फार्मूले में वैल्यू पुट अप करनी है और इसके आधार पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सी पॉइंट इसमें कहा गया है कैलकुलेट द मैक्सिमम लेवल, और फार्मूला ऑफ मैक्सिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल जो पहले आप कैलकुलेट कर चुके प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, माइनस मिनिमम यूसेज रेट गुना मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये चार वैल्यू इसकी कैलकुलेशन के लिए चाहिए, इन चारों वैल्यू से ये आपका सोल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल जो हम शुरू में कैलकुलेट कर चुके एक्स के लिए 5400 ये हमने लिख लिया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी आप देखिए, रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास जो दी गई है, रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है एक्स की क्वेश्चन में 4800 और इसकी 7200। तो पहले जब हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स में हमने रीऑर्डर लेवल 5400 ले लिया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 4800 माइनस मिनिमम यूसेज 300 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इज़ 4, वो जो दिया गया था। तो यहाँ पर इनको 5400 प्लस 4800 जोड़ करके माइनस कर दीजिए इसमें से 3 × 4 1200, तो आंसर इज 9000 आपके सामने है। तो स्टूडेंट आपने देखा ये बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से वाई का देखिए, वाई में 3600 रीऑर्डर क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है, प्लस मिनिमम पीरियड और मिनिमम टाइम, इनके मल्टीप्लाई करके आपके सामने आंसर 10200 आ रहा है। यहाँ इनको करने में यदि कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए। और नेक्स्ट अब लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन का, इस लास्ट पॉइंट पे पूछा गया है एवरेज स्टॉक लेवल, और फार्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, और मिनिमम और मैक्सिमम लेवल दोनों आपने कैलकुलेट किए हैं तो बस उनका हाफ करना है। देखिए मिनिमम लेवल ऑफ एक्स जो 2400,
मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स 9000। तो यहाँ आप देख रहे हैं फार्मूले में नीचे कंपोनेंट एक्स की 1/2 2400 प्लस 9000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5700। ऐसे ही वाई का 1800 प्लस 10200 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6000। तो आपने देखा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण, और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन पर बहुत मेहनत कीजिए, बहुत उम्मीद है ये क्वेश्चन आए, हो सकता है कि इसकी फिगर चेंज होकर आ जाए, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है ये भी, इसको भी आप, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। भार्गव फार्मेसी प्रोडक्ट्स संजीवनी टॉनिक यूजिंग 2 x and y ईच लीटर ऑफ टॉनिक रिक्वायर्ड 40 ऑफ x 60 ऑफ y वीकली प्रोडक्शन फ्रॉम 350 लीटर टू 450 लीटर एवरेज 400 लीटर डिलीवरी पीरियड फॉर बोथ दी इज 1-3 वीक द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ एक्स इज 600 एंड वाई इज 1000 लीटर कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स मैक्सिमम लेवल ऑफ वाई एक्स एंड मिनिमम लेवल ऑफ वाई। ये तीन अलग अलग पॉइंट इसमें पूछे गए हैं। तो एक बार फिर हम हिंदी में भी पढ़ लें इसको। भार्गव एक्स और वाई दो का प्रयोग करके एक संजीवनी प्रोडक्ट बना रहा है। टॉनिक के प्रत्येक लीटर हेतु एक्स 40 और वाई 60 का प्रयोग है। प्रोडक्शन 350 लीटर से साप्ताहिक उत्पादन 350 लीटर से 450 लीटर तक होता है, एवरेज 400। दोनों बूटिया की पीरियड 1-3 वीक है। मितवई आदेश मात्रा 600 लीटर है एम वाई हेतु 1000। आपको जो गणना करनी है वो आपके सामने बताई है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स, रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हियर इज मैक्सिमम कंजप्शन जो बात की है 450 दिया हुआ है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है इसका 40, एक्स की 40 है। तो 450 का 40% आप सबसे पहले देखिएगा, रीऑर्डर लेवल के लिए मैक्सिमम कंजक्शन 450 का 40% है जो कि दिया गया है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो दिया है वो 3 सप्ताह है। तो 450 का 40% लीजिए और मल्टीप्लाई 3, तो ये आपको 550 लीटर, ये पहला आंसर आपके सामने इसका आ गया। सेकंड, मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स फार्मूला आपके सामने है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन गुना मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। हियर रीऑर्डर पीरियड 450 आपके पास है जो अभी आपने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी जो आपके सामने है 600 है, माइनस
मिनिमम कंजप्शन 350 का 40% और इसका पीरियड है 1 वीक। तो आप इसकी कैलकुलेशन देखें, 450 प्लस 60 1140 हो गए, और 350 का 40% जो लेंगे वो 140 माइनस करेंगे 1140 माइनस 140, तो आंसर 1000 आपके सामने ये आ गया। लास्ट मिनिमम लेवल ऑफ वाई, मिनिमम लेवल ऑफ वाई का फार्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन गुना एवरेज रीऑर्डर पीरियड, और वह रीऑर्डर लेवल ऑफ वाई जो नहीं दिया था उसका फार्मूला होगा मैक्सिमम कंजक्शन गुना मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजक्शन 450 का 60% और मल्टीप्लाई 3 वो 810 आपके सामने है, और अब रीऑर्डर लेवल 810 माइनस एवरेज कंजप्शन 400 का 60% और एवरेज पीरियड 1 + 3/2, तो 810 माइनस 240 मल्टीप्लाई टू 480, तो 810 माइनस 480 इक्वल ये आपका आंसर 330 आपका आ गया। तो स्टूडेंट ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने आपको समझाए हैं, इन क्वेश्चनों को इन दोनों क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसे डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड इसी तरीके के बाकी क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आ रही है तो उससे पूछिए। इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि मितवई आदेश मात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। अब इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।